राधा कृष्णा, जय जिनेजा। मैं सरस्वती छिपा, हल्दी शाही खाना, शाही उपास पार्लर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और मेरे सभी चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए बनाते हैं सावन सोमवार में फलाई साबुदाना खिचड़ी, एकदम खिली खिली, जिसे आप एक एक मोती की तरह गिन सकते हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं मोतियों की तरह खिली खिली साबुदाना खिचड़ी। ये मैंने 2 कप साबुदाना लिया था और 3 से 4 घंटे फिलो दिए, इस तरह से हो गई है। जिस कटोरी साबुदाना लिया उसी कटोरी से फली दाना लेंगे, आधी कटोरी। एक आलू, कच्चा आलू है, हरी मिर्ची, जीरा, सेंधा नमक। तो फिर चलिए बनाते हैं। आलू को पतला पतला काट लीजिए। इस तरह से काटना है आलू को, सारे आलू काट दीजिए। साबुदाना खिचड़ी का बनाने का एकदम नया तरीका बताऊंगी, जिससे आप साबुदाना को एक एक खिचड़ी गिन सकते हैं। साबुदाना एकदम खिले खिले साबुदाना बनेंगे और खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि आप बस एक बार बनाएंगे तो हमेशा ही इसी तरह की फरमाइश होगी कि इसी तरह से बनाइए। मिक्सर ग्राइंडर लीजिए, साबुदानों को हल्का दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए इस तरह से पीसना है, छिलके सहित पीसेंगे फली दाना को। तो फिर चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में लीजिए इतना ऑयल, ऑयल गर्म हो गया, डालिए जीरा, ऑयल गर्म हो गया डालिए जीरा, हरी मिर्ची, आलू डालिए, आलू डालकर फ्राई कर लीजिए। गैस की आंच को धीमा ही रखना है। डालिए साबुदाना, डालिए साबुदाना, पूरे दाना डाल लिए मैंने। इसे हिलाइए साबुदाना को, फली दाना को हिलाइए। आलू में अच्छे से फ्राई करना है फली दाना। फली दाना फ्राई हो गया, डाली नमक स्वाद अनुसार, डाली साबुदाना, हिला लीजिए। गैस की आँच को धीमा ही रखना है। और देखिए इस तरह से खिले खिले साबुदाना की खिचड़ी, आप एक एक साबुदाना गिन सकते हैं। बस फली दाना को क्रश करके डालें और साबुदाना खिचड़ी, खिले खिले साबुदाना खिचड़ी बनेगी। और जब भी बनाएं इस तरह से बनाएं। क्या आप साबुदाना की खिचड़ी बनाते हैं और चिपचिपी बन जाती है खिचड़ी, खिली खिली नहीं बनती और खाने में इतना सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। बस एक बार बनाएंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। देखिए गैस बंद कर दीजिए और ये बन गई साबुदाना की खिली खिली खिचड़ी। और ये बन गई साबुदाना की खिली खिली खिचड़ी, बनाइए अब इसी तरह से झटपट से।